हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीनियर कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन यानी कन्वोल्यूशन सम। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के चार तरीके होते हैं हमारे पास। पहला ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, थर्ड है टेबुलेशन मेथड, और फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा लेंथ ही है, ये शॉर्ट मेथड है। जितना टाइम इसको अकेले करने में लगेगा उतना ही इन तीनों को एक साथ करने में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको, पहला क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो देख लेते हैं। तो आउटपुट यानी वाई ऑफ एन, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट में होता है ये सब कन्वोल्यूशन सब। तो एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन इजिकल्स टू होता है के इक्व टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे, जैसे उसमें कंटिन्यूस टाइम वाले में था, आप एक्स वाले में भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, एच एन माइनस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, किसी को भी एक्स वाला मान सकते हैं, किसी को भी एच वाला। तो इन्हीं फॉर्मूले से बस पूरा कन्वोल्यूशन चलेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स एन की वैल्यू देखिए 1 2 3। अब देखिए, जहाँ पे एरो होता है वो इंडिकेट करता है एन इक्व टू जीरो। अगर किसी उसमें सिक्वेंस में एरो नहीं गिवन है तो हम कौन सा एन इक्व टू जीरो मानते हैं, जो सबसे पहले एलिमेंट होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा वो एन इक्व टू जीरो होगा, अगर एरो नहीं गिवन है तो, ठीक है। तो एन इक्व टू जीरो, ये एन इक्व टू, ये प्लस वन, ये एन इक्व टू माइनस वन, एन इक्व टू जीरो, एन इक्व टू माइनस वन, और एन इक्व टू प्लस वन, ठीक है, इतना कर लेंगे, ये पहचानना आता ही है। अब देखिए, यहाँ पे जो वाई एन है, वाई एन जो कैलकुलेट करेंगे हम, वाई एन का फॉर्मूला मैं पहले वाले फॉर्मूले को लगाता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। अब देखो, यहाँ पे के वेरिएबल है और एन, देखो यहाँ पे एन, तो एन रेंज ऑफ एन आउटपुट की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एन कैसे निकलती है, तो लोअर रेंज जो होगी, लोअर रेंज ऑफ वाई एन, या उसको कहो वाई एल लोअर रेंज, ठीक है, मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो होगी एक्स एल लोअर रेंज ऑफ एक्स और लोअर रेंज ऑफ एच। तो यहाँ पे लोअर रेंज इसकी कितनी है, माइनस वन पे है ये, और इसका कितने पे है, माइनस वन पे। ये कहने का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी एन की, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है, इस टाइप से ही आउटपुट जाएगा, इसी टाइप से एक सिक्वेंस आएगा, उसमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इस ये हो गया माइनस टू, अपर रेंज निकालो ऐसे ही, अपर रेंज ऑफ वाई एन जो होगी, मैं उसको अपर रेंज के लिए इसको लोअर लिखा था, उसको अपर के लिए क्या लिख लूँ, पी लिख लूँ, तो एक्स पी एच पी। तो ये कितना आया अपर रेंज, इसका इसकी मैक्सिमम वन तक वैल्यू है, और इसकी कहाँ तक है मैक्सिमम वैल्यू, वन तक, ठीक है। तो हमारे जो रेंज ऑफ एन आई है, कहाँ से कहाँ तक आई है, माइनस टू टू प्लस टू, ठीक है। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज ऑफ एन हो गई हमारी माइनस टू टू प्लस टू, ठीक है, इन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब देखो, यहाँ से हमें कैलकुलेट करते हैं ना, पहले माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, इतने तक कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर इसी को यूज करते हैं ना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, पहले माइनस टू से शुरू होगा, यानी वाई माइनस टू, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन इक्व टू माइनस टू पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे वाई माइनस टू यानी एन इक्व टू माइनस टू पुट कर दो, इसमें कितना आएगा, के इक्व टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बस जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या रख देना, माइनस टू। देखिए यहाँ पे एन है तो मैंने रखा माइनस टू माइनस के, ठीक है। अब क्या करना, एक्स जो हमारा एच एक्स एन था, जैसे वहाँ पे करते थे एक्स टी होता था, उसको एक्स टू में करते थे, यहाँ पे भी एक्स एन हो जाओ होगा, उसे किस में चेंज कर देंगे, एक्स के में, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे एच एन होगा, उसको एच के में कर देंगे ऐसे ही। यहाँ पे देखो पहले मैं एक्स के ड्रॉ कर, एक्स के बाद में ड्रॉ करूंगा, पहले एच माइनस के माइनस टू ड्रॉ करता हूँ। तो एच माइनस के ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, एच, पहले मैं एच के ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एच के। तो ये जो मुझे एच एन दे रखा, मैं इसको एच के में चेंज कर दिया। माइनस वन पे वैल्यू है कितनी, वन। जीरो पे वैल्यू है उसकी टू, और वन पे वैल्यू है वन, ठीक है। ये होगा एच के, मुझे ड्रॉ क्या करना, एच माइनस टू माइनस के। ये काफी लेंथी प्रोसेस रहता है। तो एच पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, के माइनस टू, ठीक है। अगर वीडियो देखी है पिछली वाली तो यूं ही समझ आ रहा होगा। तो यानी दो का डिले कर दिया, दो का डिले मतलब राइट की तरफ शिफ्टिंग कर दो। माइनस वन वाला कहाँ पे चले आएगा, प्लस वन पे, इसकी वैल्यू वन है। जीरो वाला टू पे, इसकी वैल्यू है टू, और वन वाला थ्री पे, इसकी वैल्यू है वन, ठीक है। अभी एच के माइनस टू ड्रॉ करा हमें, इसकी क्या करना, फोल्डिंग, फोल्डेड वर्जन भी लेना है इसका। तो इसका फोल्डेड वर्जन लो, एच माइनस के माइनस टू क्या हो जाएगा, इसका फोल्डेड वर्जन बनाऊंगा। माइनस वन पा जाएगा वन, यहाँ पे देखो माइनस वन पे बना जाएगा, माइनस टू पा जाएगा टू, और माइनस थ्री पा जाएगा वन। माइनस वन पा जाएगा वन, माइनस टू पा जाएगा, माइनस टू पा जाएगा टू, और माइनस थ्री पा जाएगा वन, ठीक है, यही होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक्स के ड्रॉ कर देना सीधा, ठीक है। तो वन टू थ्री वैल्यू है उसकी, एन इक्वल्स टू जीरो पे टू है, ये है मेरा एक्स के। तो उसकी वैल्यू कितने, एन इक्वल्स टू जीरो पे कितनी थी, टू, एक बार देख लें, जीरो पे है टू, वन पे, माइनस वन पे है वन, और वन पे है थ्री। माइनस वन पे है वन और इस पे है थ्री, इतना ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए वाई माइनस टू की जो वैल्यू थी क्या थी, के कोस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच माइनस टू माइनस के, ठीक है। जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनकी बस मल्टीप्लाई करके सम कर देना है, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे देखो, माइनस थ्री, माइनस थ्री पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री पे इसकी वैल्यू है जीरो, माइनस टू पे इसकी वैल्यू है जीरो, ठीक है। इस टाइप से माइनस थ्री पे इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू जीरो, प्लस ऐसे माइनस टू पे वैल्यू इसकी कितनी है टू, इसकी वैल्यू कितनी है जीरो। नेक्स्ट माइनस वन पे इसकी वैल्यू है वन, इसकी वैल्यू कितनी है वन, प्लस जीरो पे वैल्यू, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू अब जीरो हो जाएगी। ऐसे जीरो उसकी वैल्यू कितनी है टू, और इसकी वैल्यू वन पे जीरो है, उसकी थ्री है। तो सॉरी, इसकी वन पे वैल्यू जीरो है, इसकी थ्री है। तो वाई ऑफ माइनस टू कितना आ गया, ये जीरो यहाँ से वन आया, ये जीरो, तो कितना आ गया वन। तो वाई ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, ठीक है। ऐसे ही सारों के लिए कैलकुलेट करना, माइनस वन के लिए, ठीक है, वाई माइनस वन के लिए ड्रॉ करेंगे ऐसे ही कैलकुलेशन। मैंने कहा ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, कैलकुलेशन ऑफ वाई माइनस वन, वाई माइनस वन कैलकुलेट करेंगे। वाई माइनस वन यानी एन इक्वल्स टू माइनस वन रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच माइनस वन माइनस के, ठीक है। तो आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा एच, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, पहले एच के माइनस वन ड्रॉ होगा, एच के माइनस वन ड्रॉ करो। तो एच, एच के कितना था, एच के था देखो यहाँ पे, ये एच के ये था, इसको वन से डिले कर दो तो माइनस वन पे वाला पॉइंट आ जाएगा इस पे, ठीक है। एक एक की शिफ्टिंग हो जाएगी, वन वन पे हो जाएगा टू, और टू पे हो जाएगा वन, जीरो पे आ जाएगा वन, वन पे आ जाएगा टू, और टू पे आ जाएगा वन, ठीक है। ये हो गए h माइनस के, इसका फोल्डेड वर्जन बनाओ, h माइनस के माइनस वन। तो इसका फोल्डेड जीरो पे आ जाएगा वन, माइनस वन पे आ जाएगा टू, और माइनस टू पे आ जाएगा वन, ठीक है।
ये आ चुका एक्स के से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स के मेरा कहाँ देखो ये रहा, ये एक्स के मेरा, तो इसकी वाई ऑफ माइनस वन कितना आ जाएगा, इसकी करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस टू है, वहाँ पे माइनस टू पे कुछ नहीं है, जीरो है, माइनस वन पे इसकी वैल्यू टू है, इसकी वन है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो वन इंटू टू, देखो जीरो पे इसकी टू है, इसकी वन है, तो टू इंटू वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेट करते जाना। अब देखो y जीरो को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, n इक्वल टू जीरो रख दो उसमें इक्वेशन में, तो क्या होगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी x के h, n माइनस के होता था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के। ठीक है, तो अब इस बार क्या करना पड़ेगा, बस h का माइनस माइनस फोल्डेड वर्जन बनाना पड़ेगा हमें, तो h के बनाओ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ पे ये रहा एच ऑफ के गेरा, इसका फोल्डेड वर्जन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन फंक्शन है, माइनस वन पे है वन, जीरो पे है वैल्यू टू और वन पे है वैल्यू वन, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बस, किससे कितना आ जाएगा वाई ऑफ जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स के से, एक्स के से, एक्स के में क्या देखो, एक्स वाले जो ग्राफ है उसका ये वन है वैल्यू, माइनस वन पे उसकी वैल्यू वन, इसकी वन, जीरो पे उसकी वैल्यू है टू, उसकी भी टू। ठीक है, वन पे वैल्यू है उसकी थ्री, इसकी वन, तो वाई ऑफ जीरो कितना आ जाएगा वन फोर फाइव, ये हो जाएगा एट। ठीक है, वाई जीरो की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से आपको कैलकुलेट करनी है, देखो मैंने वाई जीरो तक कैलकुलेट कर दी, तीन कैलकुलेट करके दिखा दी, नेक्स्ट कैलकुलेट करके दिखानी है आपको, एक सेकेंड, वाई कैलकुलेशन ऑफ वाई वन, y1 के लिए कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से कैलकुलेट करनी है, और y2 के लिए भी, ये वाला आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो वैल्यूज आ सकी हैं, देखो यहाँ पे लास्ट में जो y ऑफ n लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास, y ऑफ माइनस टू, y ऑफ माइनस टू जो वैल्यू आई है कितनी आई है, y ऑफ माइनस टू आई थी वन, ये माइनस टू पाई है। ठीक है, y ऑफ माइनस वन आई है फोर, देखो y ऑफ जीरो आई है एट, जीरो वाला होता वहां पे एरो लगा देते हैं, y1 और y2 आपको यहाँ कैलकुलेट करके फिल करना। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मैंने बताया, इसी टाइप से बताना, ठीक है, कमेंट में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। देखो इस वीडियो में इतना ही, ये जैसे मैंने ये कैलकुलेट करके बताया सारे, इसी टाइप से कैलकुलेट करके बताना। ठीक है,